हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में फागुन मास की विजय एकादशी व्रत कब है, क्योंकि विजय एकादशी की डेट को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है कि विजय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 6 मार्च को या 7 मार्च को। ये कंफ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, अभी फागुन का महीना चल रहा है और फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। विजय प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो, तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजय एकादशी के व्रत करने से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। विजय एकादशी पापों का नाश करती है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही विजय एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजन, दान पुण्य के कार्य और व्रत करने से कार्यों में विजय प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में दो एकादशी आती है, दो बार एकादशी आती हैं, यानी कि हर महीने में एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। शास्त्रों में एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है और इस बार विजय एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में फागुन मास की विजय एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। फागुन माह के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। और अभी फागुन का महीना चल रहा है, इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को श्री हरि भी कहते हैं। श्री हरि की आराधना करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार विजय एकादशी 7 और 8, यानी कि 7 मार्च और 8 मार्च 2 दिन रहेगी। एकादशी तिथि को लेकर के कंफ्यूजन है कि व्रत कब रखना है, 6 मार्च को या 7 मार्च को। आइए जानते हैं विजय एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में विजय एकादशी 6 मार्च और 7 मार्च 2 दिन रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च को प्रातःकाल 6:30 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च को प्रातःकाल 4:13 पर। गृहस्थ वाले एकादशी व्रत 6 मार्च को रखेंगे और वैष्णव भक्त जन एकादशी का जो व्रत है वो 7 मार्च को रखेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 7 मार्च को सुबह दोपहर के 1:43 से शाम के
4:04 तक और वैष्णव एकादशी के लिए पारण का समय होगा 8 मार्च को प्रातःकाल 6:38 से 9 तक। आइए अब जानते हैं विजय एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें और पूजा स्थल पर एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें। इस पर जल का कलश भी स्थापित करें। इस कलश में आम या अशोक के पत्ते लगाएं। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले पुष्प, ऋतु फल, तुलसी अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और व्रत कथा पढ़ें और फिर आरती करें। भगवान विष्णु को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और खीर का या मतलब इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप व्रत रखते हैं तो, लेकिन दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं या मखाने की खीर का भोग लगाएं। और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। ब्राह्मण को भोजन और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा देकर विदा करें। आइए जानते हैं विजय एकादशी का महत्व। दोस्तों, विजय एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को विजय मिलती है। लंका पर विजय की कामना से बगदल भय मुनि ने उनकी आज्ञा के अनुसार समुद्र के तट पर भगवान श्री राम ने इसी व्रत का पालन किया था, इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान श्री रामचंद्र की विजय हुई। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो अति उत्तम है, व्रत के साथ भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप ये उपाय जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, विजय एकादशी के दिन कलश में आम के पत्ते लगा करके, आम के पत्ते रखकर इस पर जौ से भरा हुआ पात्र रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 11 लाल फूल, 11 फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से जल्द ही मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो आपकी इच्छा कोई भी हो, विवाह से संबंधित इच्छा हो या जॉब से संबंधित इच्छा हो, तो वो इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा विजय एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इसके अलावा विशेष कामना के लिए प्रभु श्री राम की पूजा जरूर करें। उन्हें 11 केले, लड्डू, लाल फूल और 11 अगरबत्ती, 11 दीपक, क्योंकि एकादशी है, एकादशी में 11 का खास महत्व माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन यानी कि विजय एकादशी के दिन आप पूजा की कोई भी सामग्री है, केले 11 हैं यानी कि 11 केले, लड्डू, लाल फूल, 11 अगरबत्ती, 11 दीपक, 11 खजूर और 11 बादाम चढ़ाएं। ऐसा करने से विशेष मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं,
आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।